Good morning, all of you. Today I shall teach class in class 7 in lesson 8 more on internet. Internet पर इस तरह से अधिक बताया गया है यहाँ पर. You have to open book. तो बच्चे book open कर लीजिए. आगे पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक. इसमें कहा गया इंटरनेट पर मोर अधिक से अधिक दे रखा है. इसमें पहले तो इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं. इंटरनेट दे रखा है कि द टर्म इंटरनेट स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इसमें कहा गया जो इसका जो टर्म है यानी इंटरनेट जो स्टैंड फॉर इंटरनेट का जो तरह से अर्थ है और इसकी जो फुल फॉर्म है तरह से कि नेटवर्क ऑफ इंटरनेट यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. इंटरनेट का जो मतलब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर. देर इज ए हब नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इच अदर बाय टेलीफोन वायर्स लीज लाइन रेडियो वेव्स एंड सैटेलाइट एनेबलिंग देम टू शेयर इंफॉर्मेशन अमंगस्ट इच अदर. नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप है कंप्यूटर का जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़े रखता है जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में एक तरह से नेटवर्क फैला हुआ है. इसमें आप कंप्यूटर को तो कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के लिए. कंप्यूटर को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेट के लिए तो आप टेलीफोन लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लीज लाइन से भी, रेडियो वेव से भी एंड सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट चलाने. यूज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग. Now, internet is considered as the most effective mode of communication. Various use are. इंटरनेट का जो एक माध्यम है कम्युनिकेशन का वो किस तरह से है इधर रखा है. इट इज यूज फॉर सर्फिंग. आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं. ठीक है, एजुकेशन से संबंधित किसी तरह की बुक से संबंधित एजुकेशन संबंधित यानी आप सर्च कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड को क्वेश्चन. ठीक, उसके बाद जो इधर रखा है, इसमें इधर रखा है कि लुकिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट. आप देख रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को ऑन एनी किसी सब्जेक्ट से संबंधित. तो आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इसमें इधर रखा है कि कम्युनिकेटिंग विद पीपल. हम जो है इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तियों से बात कर सकते हैं. ठीक है, वीडियो कॉलिंग करके और ईमेल को ईमेल के माध्यम से मैसेज करके व्हाट्सएप के जरिए इस तरह से. ठीक है, जो भी हम बातचीत करते हैं वार्तालाप करते हैं उसको हम कम्युनिकेट बोलते हैं, कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. ठीक है, जो फ़ोन के द्वारा बात करते हैं उसको भी हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. सब इंटरनेट का माध्यम होता है. ऑनलाइन शॉपिंग में ये होता है कि आप बैठे किसी भी समय एनी टाइम आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे. ऑनलाइन पे आप बुक कर सकते हैं और घर बैठे आप किसी भी प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं. ये सब ऑनलाइन शॉपिंग में. आपको बुक मंगानी हो, ठीक है, चाहे एनीथिंग. उसके बाद बुकिंग रेलवे एंड एयर टिकट. आप बुक कर सकते हैं रेलवे टिकट और एयर टिकट फ्लाइट का ऑनलाइन. Knowing latest cricket match scores. आप जो है जान सकते हैं latest cricket match score कि मैच जो क्रिकेट का स्कोर हुआ है, क्रिकेट मैच का स्कोर हुआ है, क्या हुआ है, वो सब जान सकते हैं ऑनलाइन. Sending greeting card. आप greeting card यानी किसी को सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन. ठीक है, अपने किसी फ्रेंड्स को. Sends and receive message anywhere in the world. संसार में आप कहीं भी आप मैसेज को प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं. उसके बाद दे रखा वर्ल्ड वाइड वेव. वर्ल्ड वाइड वेव में दे रखा है इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट. जो वर्ल्ड वाइड वेव है इसमें कलेक्शन होता है वेबसाइट का. ठीक है, बहुत काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं. दीज साइट्स कलेक्टिवली फॉर्म ए वेव लाइक short structure over the internet that is various sites are stored at various place
ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है कई हजार वेबसाइट का कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर वेब, ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है बना हुआ, और वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती रहती है। उसके बाद रखा वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड पेज। वेबसाइट जो होती है इसमें एक एक से अधिक रिलेटेड पेज होते हैं, जैसे एजुकेशन संबंधित वेबसाइट पेज होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरह के इसमें पेज होते हैं वेबसाइट में। जैसे किसी कॉलेज की वेबसाइट हुई, वहाँ पर पेज होगा फ्रंट पेज, किसी कंपनी के वेबसाइट हुई, ठीक है, इसी तरह से। उसके बाद रखा लिंक टुगेदर थ्रू ए सिस्टम ऑफ हाइपर लिंक्स। ए वेबसाइट इज जस्ट लाइक ए इमेजिंग एज वी कैन फ्लिप थ्रू द पेज ऑफ ए मैगजीन। वी कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन ए वेबसाइट यूजिंग द हाइपर लिंक्स। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड नेट सर्फिंग। इसमें कहा गया है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पेज को एक स्थान दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, जिसको हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं एक वेबसाइट को अन्य वेबसाइट में, जिसको नेट सर्फिंग बोलते हैं। एक वेबसाइट को दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। उसके बाद वेब पेज। वेब पेज रखा द इंडिविजुअल पेज विच कलेक्टिवली फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब आर नोन एज वेब पेज। दीज पेज कंटेंस टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एंड लिंक्स टू अदर वेब पेज। वेब पेज में जो होता है, वेब पेज में ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स ये सभी होते हैं, इसको हम वेब पेज बोलते हैं। इसमें रखा नोट द लिंक ऑफ वन पेज विद अनोदर इज कॉल्ड हाइपर लिंक। ए टेक्स्ट दैट कंटेंस लिंक्स टू अनोदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। वन पेज विद एक पेज के साथ जो है हाइपर लिंक, यानी एक स्थान दूसरे स्थान पर मूव होता है, ठीक है, और टेक्स्ट भी होता है उसमें। उसके बाद वेब ब्राउजर देखा। इसमें वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर। वेब ब्राउजर होता है जैसे गूगल क्रोम यूसी ब्राउजर, ये सब होते हैं ब्राउजर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। यूसी ब्राउजर, क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट, ये सब ब्राउजर होते हैं। ए वेब ब्राउजर डिस्प्ले वेब पेज इन इट्स विंडो। एक वेब पेज, एक वेब ब्राउजर जो था डिस्प्ले करता वेब पेज को इन इट्स विंडो में। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम, ये सभी हैं ब्राउजर, ये हैं वेब ब्राउजर। हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, इसमें हमने पढ़ा कि इंटरनेट का क्या यूज है, उपयोग, ये सब उपयोग दे रखी। आप अपने फ्रेंड्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, ये दे रखा है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, एयर टिकट रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, ये सब दे रखा है। तो इंटरनेट का ये यूज है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है, वर्ल्ड वाइड वेब में ये दे रखा है कि काफ़ी वेबसाइट होती है इसमें, ठीक है, जिसका कलेक्शन होता है, तो वहाँ पर स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। इसमें दे रखा है कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट जो होती है वन और अधिक, वन और मोर यानी अधिक से अधिक पेज इसमें होते हैं, वेब पेज वेबसाइट इसे कहते हैं। और वेब पेज जो है इसमें, वेब पेज में ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स ये सब होते हैं इसमें। और वेब ब्राउजर मैंने आपको बता दिया है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम यूसी ब्राउजर फायरफॉक्स ये सब, मोजिला फायरफॉक्स ये सब होते हैं वेब ब्राउजर, जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। आज के लिए इतना बच्चों।